गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा था, नल लाइन एंड नल प्लेन्स, जिसकी हमने ये थ्योरम्स कर ली थी आपकी, ये 1.11.2, 11.3, 11.4 तक होगी थी आपकी। तो आज हमने इसकी 11.6 थ्योरम करनी है। तो क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुकेट लाइन ऑफ द गिवन लाइन। हमने क्या निकालना है, कॉन्जुकेट लाइन निकालनी है, हमें गिवन लाइन गिवन है। तो कॉन्जुकेट लाइन क्या होती है, जो गिवन लाइन और एक और पॉइंट लेट करके जो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, उससे एक नल लाइन की इक्वेशन बनाओगे। जो इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन आएगी, उसको आप कॉन्जुगेट लाइन कहोगे। तो आप, हम इसका प्रूफ करते हैं, इससे आपको और चीज क्लियर होगी। द गिवन लाइन इज दिस, द सिस्टम, लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हमने सब पढ़ चुके हैं कि गिवन सिस्टम को हम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं टू नल प्लेन्स। तो वी शैल फाइंड द इक्वेशन, हम वो इक्वेशन फाइंड करेंगे टू नल प्लेन की एट एनी टू चूजन पॉइंट ऑफ वन के। तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वन पॉइंट हम यही ले लेंगे जो इस इक्वेशन का है, और दूसरा हमने क्या ले लिया, जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज के साथ मिलकर बना है, क्या ले लिया, एल रो, एम रो, एन रो, वेयर एन रो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटिव को। मतलब अब गिवन इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और हम इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन निकालेंगे, जो दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, वो कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, वो होगी कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ, हमने क्या कर लिया, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन की ले ली थ्रू इस पॉइंट के। तो ये तो क्लियर है, ये एक पॉइंट पर ले लिया हमने एफ, जी और एच, एक इस पॉइंट से हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद क्या करा, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू इस पॉइंट, इक्वेशन निकाली नल प्लेन की थ्रू इस पॉइंट से, क्या होगी, ये पॉइंट ले लिया। तो मतलब क्या है, एक पॉइंट ले रखा है आपने एफ जी एच, और उसी की डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमने पॉइंट ले लिया एल रो, एम रो, एन रो। ये पॉइंट कैसा है कि ये इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है आपका पॉइंट। तो इसके थ्रू, जो इस पॉइंट के थ्रू हमने इक्वेशन निकाली नल लाइंस की, ये एक्स वाई जेड, ये पॉइंट और इनटू एक्स वाई जेड। ये एक्स क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आर, जितनी भी आपकी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस होती हैं आपकी, वाई समीशन ऑफ वाई आर, और जेड क्या होता है, समीशन ऑफ जेड आर। तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। अब इस रो को कॉमन ले सकते हो, तो इसको सोल्व करोगे। फिर टेकिंग रो, रो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटिव को। जैसे ही रो इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा, एक्स बाय रो जीरो, वाई बाय रो जीरो, जेड बाय रो जीरो, तो इक्वेशन सिर्फ आपकी ये बनेगी। तो एक इक्वेशन कैसे आई, जब आपने पॉइंट लिया एल रो, एम रो, एन रो, और एक इक्वेशन क्या आई नल लाइंस की, जो आपने गिवन पॉइंट के थ्रू बनाई। तो जो दोनों पॉइंट्स की, जो दोनों इक्वेशंस की आप इंटरसेक्शन लोगे, वो इक्वेशन, वो लाइन क्या कहलाएगी आपकी, कॉन्जुगेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका सेम, जैसे आपने टॉपिक करा था 11.3, सेम ऐसे होगा। बस इसमें एल एक्स प्लस जो प्लेन, नल प्लेन, नल पॉइंट था, हमें फाइंड करना था नल पॉइंट गिवन प्लेन की। गिवन एक प्लेन था यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू वन, और यहाँ पर गिवन पॉइंट है आपके पास एल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ प्लेन की इक्वेशन फ़र्क है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो आप इसको खुद ट्राई करना। अब सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, शो डैट अमंग दैट नल लाइन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हमें ये शो करना है कि अमंग दैट जितनी भी नल लाइंस होती हैं एक सिस्टम्स की, फोर आर जनरेटर ऑफ एनी हाइपरबोलाइड। तो फोर जनरेटर होते हैं हाइपरबोलाइड इक्वेशन के, जिसमें से दो जनरेटर एक सिस्टम से बिलोंग करेंगे और दो सिस्टम दूसरे सिस्टम से बिलोंग करेंगे। तो हमने इक्वेशन ले ली हाइपरबोलाइड की, ये होती है एनी जनरेटर, ये आप इक्वेशन पहले पढ़ चुके हो, एक्स माइनस में वो पॉइंट डिवाइडेड बाय इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, वाई माइनस में, सॉरी डायरेक्शंस रेशियोज, वाई माइनस में डैट पॉइंट डिवाइडेड बाय डायरेक्शंस रेशियोज, जेड माइनस में डैट पॉइंट डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज। तो हमने पहले एक ही सिस्टम ये ले लिया, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने दो जनरेटर निकालने हैं। फिर अदर सिस्टम लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके दो जनरेटर निकलेंगे फॉर द अदर सिस्टम। अब सपोज द सिस्टम इज रिड्यूस टू दिस, इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एफ वाई में एल, वाई माइनस जी बाई एम, जेड, नल लाइन की इक्वेशन या पहले पढ़ चुके हो। तो एक्स वाई जेड एल एम, ये पॉइंट्स पुट करोगे, और ये वाला पॉइंट एफ जी एच, जो सेम अभी हमने टॉपिक में करा है,
इसको सोल्व करके इक्वेशन आएगी। अब सेकेंड लाइन के थ्रू इनर लाइन की इक्वेशन निकालोगे, एक्स वाई जेड माइनस में दैट पॉइंट ए माइनस में डायरेक्शन एल वाला एल एम एन, एल यहाँ पर ए साइन थीटा है, एम यहाँ बी माइनस बी कोस थीटा है, सी आपका ये है माइनस में एफ जी एच, ये पॉइंट्स। क्योंकि ये इक्वेशन लाइक इसकी तरह है, यहाँ एफ की वैल्यू ये है, जी की ये है, एच की ये है, और ये एल एम एन की वैल्यू है आपके पास। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके गया जाएगा। उसके बाद क्या करा, और ये किसके इक्वल है, एल इंटू कैपिटल एल, एम इंटू कैपिटल एम, एन इंटू कैपिटल एन। तो इसको अब इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्स इंटू में इसको छोड़ दोगे, इसको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में इसकी, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, विच इज़ द कंडीशन फॉर द जनरेटर टू, टू जनरेटर की कंडीशन निकल जाएगी। सेम जब आप दूसरा सिस्टम करोगे उससे कंडीशन निकलेगी टू जनरेटर की। तो ये आपको यहाँ से ये शो हो गया कि हाइपरबोलॉइड के कितने जनरेटर्स होते हैं, चार। एक सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आएंगे और दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट टू आएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अभी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप क्लास में डिस्कस कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।